नमस्कार, रेडियो द्वारका में आपका स्वागत है। रेडियो द्वारका की टीम स्टूडियो अपार्टमेंट द्वारका सेक्टर 16 बी में पहुंची, जहां पर दिल्ली पुलिस के द्वारा सोसाइटी के लोगों के साथ मिलकर महिलाओं और लड़कियों को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस ट्रेनिंग के दौरान स्पेशल पुलिस यूनिट ऑफ वोमेंस एंड चाइल्ड की SI सुनीता सिंह भी उपस्थित थी। आइए इसके बारे में उनसे बात करते हैं। मैं सब इंस्पेक्टर सुनीता सिंह सेल्फ डिफेंस से हूँ। हमारी यूनिट का नाम है स्पेशल पुलिस यूनिट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड। PTS मालवीय नगर में हमारा ऑफिस है और वहाँ पहले ये नानकपुरा में था, वहाँ से अब ये शिफ्ट होकर PTS मालवीय नगर में हमारा ऑफिस है। और हम लोग लेडीज़ को, बच्चों को स्कूल्स में और हॉस्पिटल्स, सोसाइटीज़ वगैरह में सेल्फ डिफेंस की क्लास करवाते हैं। 10 दिन की हमारी क्लास होती है और 15 दिन का हमारा समर और विंटर कैंप होता है। और हमारी DCP हैं गीता रानी वर्मा, हमारी ACP सेल्फ डिफेंस है सुनीता शर्मा, और हमारी क्लासेस सभी अटेंड कर लेते हैं। और हम जेंडर सेंसिटाइजेशन की क्लास भी कराते हैं, नुक्कड़ नाटक भी हमारी तरफ से होते हैं पूरी दिल्ली में। और हमारा लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 2017 में 208,125 को हमने ट्रेनिंग दी है, उसका हमारे को लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में हमारा नाम दर्ज है। सेल्फ डिफेंस की क्लासेस हमारी चलती रहेंगी, हम सभी बच्चों को, महिलाओं को, ये हम सब आखिर तक, जब तक हमारी पूरी कोशिश रहेगी सभी बच्चे और महिलाएं ये सीख सकें। नित्या नंदिनी, वन ऑफ इट्स काइंड ऑथेंटिक केरला आयुर्वेदिक पंचकर्मा सेंटर इन द्वारका, आयुर्वेदिक डॉक्टर इज ऑल्सो अवेलेबल फॉर कंसल्टेशन, एक्सपीरियंस द हीलिंग। इस ट्रेनिंग में महिलाओं और लड़कियों ने क्या सीखा और इससे कितना संतुष्ट है, आइए इनसे जानते हैं। मेरा नाम शीतल गुप्ता है और इस ट्रेनिंग से हमें सबसे बड़ी बात, हमें अपने प्लस पॉइंट्स पता चले जो हमें नहीं पता था, और हमें जो हमें स्टॉकर्स है या ईव टीजर है उसके वीक पॉइंट्स पता चले कि ये एरिया सेंसिटिव होता है, नोज सेंसिटिव होती है, आईज सेंसिटिव होते हैं, हम अपर बॉडी और लोअर बॉडी में उसको कहाँ हम अटैक कर सकते हैं। इस ट्रेनिंग से हमें अपना जो पावर पॉइंट्स है कि अगर हम इस चीज से अटैक करेंगे उसके टेल बोन पे, या ये जो ये पोर्शन है इससे अटैक करें, टेम्पल अटैक करेंगे, तो इससे पता चला कि ये जो हमारा एरिया होता है सबसे पावरफुल होता है और उसका एरिया ये सेंसिटिव है, तो हम उस पे अटैक करेंगे। ये नहीं कि हम उसको मार देंगे, हमें अपने बचने के लिए हमें 2-3 मिनट्स मिल जाएंगे कि हम इस ट्रेनिंग में हमें ये कहा गया है कि हम अपने आप को सेफ कैसे रखते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए सबसे पहले तो मैं ये देखती हूँ कि हम जब ट्रैफिक आ रहा है तो हम उसके ऑपोजिट साइड में चले और अपना पर्स इनर साइड में रखें। बाई चांस कोई स्नैचर आ रहा है तो हम अपने पर्स से नीचे हो और फिर उसको ऊपर लिफ्ट करेंगे तो वो क्या होगा, अपना बैलेंस खो देगा, डिसबैलेंस हो गया वो भी गिर जाएगा। तो हमें अपनी सेफ्टी के लिए जो इन्होंने पॉइंट्स बताए जो हमें पहले नहीं पता था, इन सब चीजों से हमें ये पॉइंट्स के बारे में पता चला है, ये हमें क्लियर हुआ इस ट्रेनिंग से। मोरल वैल्यूज के बारे में मैंने तो मैम के आगे यही पॉइंट रखा है कि जो ये हमारा सिस्टम है वो स्ट्रांग हो, तो मैम ने कहा कि ये तो हमें अपने पर्सनल लेवल से इंडिविजुअली इस पे हमें वर्क करना चाहिए, और मैम की बात से मैं एग्री भी हूँ। और मैंने भी उनको यही कहा कि जैसे मेरा बेटा है तो मैं उसके अंदर ये वैल्यू इनकलकेट करूंगी कि वो लड़की को पूरी की पूरी रिस्पेक्ट दे, वो उसको अपने से कम ना समझे। और ऐसे ही मैंने जो यहाँ के हमारी सोसाइटी की लेडीज हैं उनके आगे भी मैंने यही पॉइंट रखा है कि हम अपने स्टार्ट लेवल पे इनिशिएट हम ये कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों में मोरल वैल्यूज डालें कि घर से स्टार्ट करें। हाँ जी, हाँ जी, इसमें हमने बहुत सारी चीजें सीखी है, खुद को कैसे सिक्योर करना है। पहली बात तो ये पहली बार ही हमारी सोसाइटी में ये सब हुआ है। पांडे जी है जो उनकी ही रेफरेंस से ये सब करवाया गया है, और काफी चीजें हम इसमें सीख चुके हैं, खुद को कैसे सिक्योर करना है, पब्लिक के बीच में कैसे खुद को बचाना है,
बहुत सारे पंच सिखाए हैं, बहुत सारे फिंगर टिप्स बताए हैं, बहुत सारे खुद को मतलब बचाने के लिए बहुत सारे टिप्स बताए हैं। मेरा नाम काजल नायक है। ये जो अपर फिंगर टिप जो ऐसे बोले, तो ये जो पास में जो आदमी खड़ा रहता है, जो परेशान मतलब बोलते रहता है, तो उसको कुछ नहीं कर सकते। अब उसको धक्का भी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं, बस सामने ही है उसको, बस ऐसे करना है। ये अभी कौन सा पोज करना है? नहीं, उसकी दोनों आंखों पे अटैक कर रहे हैं। और एक आई फिंगर, टू फिंगर ऐसे करके, ये आंखों का टू आई फिंगर ऐसे जो करते हैं उसको, इसका लिए। और एक है एल्बो अटैक, एल्बो का पीछे रिप की हड्डी जो पीछे पेट के जो बीच में उधर मारने के लिए, जब जब हम बस में ऐसे जाते छेड़ते हैं कोई भी, तो उसके लिए वो अटैक है। मैं सिर्फ रोहिणी फौजदार। जब कोई अपना पर्स छीनने की कोशिश करता है या फिर कोई छेड़ने की कोशिश करता है साइड से, तो साइड अटैक है, तो उससे हम उसे रोक भी सकते हैं और अपनी जो कोई चीज चेन खींच रहा है, पर्स खींच रहा है, उसे भी प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और उसके जब ऐसे मारते तो उसके फेस पे लग जाए तो वो अटैक नहीं कर पाएगा, नाक पे या फिर कहीं पे भी, हेड वाले पोर्शन पे कहीं पे भी लगता है तो वो अटैक नहीं कर पाएगा। या फिर नीचे पाँव पे अटैक कर सकते हैं, तो पाँव पे अटैक करेंगे तो भी वो पकड़ तो नहीं सकते एग्जैक्टली, पर मार तो सकते हैं। मार्केट प्लेस है तो भगने नहीं देंगे, सामान छीन के भगने नहीं देंगे, हमारा सामान तो प्रोटेक्ट कर लेंगे। माय सेल्फ पूनम, यहाँ पे हमारे अध्यक्ष स्टूडियो अपार्टमेंट के माधव पांडे जी ने ऑर्गेनाइज किया था, इसमें हमें बहुत अच्छा लगा, हमें करके बच्चों सारी लेडीज को अपने में कॉन्फिडेंस आया। इससे करने से हमारे जो यहाँ पे जो द्वारका है, बहुत सोसाइटी बहुत लोगों की नहीं है इतनी, क्योंकि सुनसान इलाका है, तो उसे बचने के लिए हमें बहुत अच्छा प्रोटेक्शन सेल्फ डिफेंस सिखाया गया हमें, जिससे हमें लीवर पंच सिखाए गए हैं। अगर हमारे कोई पास में है तो मिडल पंच करवाए, शॉर्ट पट पंच कराए, जिससे हमारा जो डिस्टेंस है। और हमारा एक मेन पॉइंट, अगर हमारे जो लेडीज का पर्स कोई छीनता है तो हम उसको सडन सबसे बचा कैसे कर सकते हैं अपना, कि हम बिल्कुल नीचे बैक साइड से नीचे बैठ जाए तो हमारा वो बैग ले ही नहीं पाएगा। मेरा नाम माधव पांडे है, मैं स्टूडियो अपार्टमेंट 16B का प्रेसिडेंट हूँ। और ये DCP साहब का ये प्रोग्राम था कि सेल्फ डिफेंस होना चाहिए, उनका रिक्वेस्ट आया था और हमने अपना जनरल सेक्रेटरी साहब रमेश जी से बात करके और हमने प्लानिंग किया। और ये प्लानिंग करने का मकसद था कि यहाँ ये द्वारका का सबसे हट का इलाका है, मतलब थोड़ा सा रिमोट इलाका भी इसको बोला जा सकता है, इसलिए यहाँ पर लेडीज को हमने बताया एक एक करके कि इनका अपने आप कैसे रक्षा करनी है। और सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का ये तब प्लान आ गया और ये सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग किया गया और इससे बहुत लोग संतुष्ट है और ये पॉकेट में पहली बार हो रहा है यहाँ पर। और आगे से भी ये महिलाएं बहुत ही सारे इच्छुक है और हम कम से कम 50 से 100 लेडीज अभी हम इस ग्रुप में हम जुड़े हैं, 100 लगभग 100 लेडीज हैं और आगे भी हम इससे ज्यादा जुड़ने की कोशिश करेंगे। जो भी पुलिस के द्वारा ट्रेनिंग होगा इसको हम पूरा करेंगे और चढ़ बढ़ के हिस्सा लेंगे। सूरज की नारंगी किरणें जैसे ही द्वारका में पड़ती हैं, परमार्थी की टीम उसको सुंदर और स्वच्छ बनाने के लिए निकल पड़ती है। आइए इस प्रयत्न में कुछ कदम आप भी साथ चलें, परमार्थी प्रहरी बने। मैं रमेश ममुक्षु, जनरल सेक्रेटरी RWA जनता स्टूडियो अपार्टमेंट 16B। ये ट्रेनिंग वैसे तो पूरे द्वारका में लंबे समय से हो ही रही है सेल्फ डिफेंस की ओर से, लेकिन इस बार सरकार ने, पुलिस ने थोड़ा सा परिवर्तन किया कि ये हर RWA को इन्होंने अप्रोच किया कि ये ट्रेनिंग RWA के अंदर की जाए। पहले स्कूलों में होती थी या किसी हॉल में होती थी, तो हमने इसका पूरा लाभ उठाया और यहाँ करीब 41 हमारी महिला बच्चों ने ट्रेनिंग ली और ट्रेनिंग का आगे भी ट्रेनिंग ली जाएंगी ऐसा कहा गया है। कि पुलिस का कहना है कि आगे भी आप कहो तो और करा सकते हैं ट्रेनिंग, एडवांस ट्रेनिंग, और लोगों के साथ भी ट्रेनिंग की जा सकती है। We'll be right back.
जैसा कि आपने वोमेन्स सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के बारे में सोसाइटी के लोगों से सुना, जो कि इनके सोसाइटी में पहली बार हुआ है, लोग बहुत खुश और संतुष्ट हैं। हम उम्मीद करते हैं इस तरह से दिल्ली पुलिस महिलाओं को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देती रहेगी। इस तरह के रेगुलर अपडेट के लिए सुनते रहिए रेडियो द्वारका, एक कदम कल की ओर।